फर्स्ट में जाती हूँ मेनू आइटम्स, जहाँ पर आपका सभी आइटम डाटा वगैरह पे से मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सेटिंग का भी ऑप्शन है, जैसे कि आइटम सेटिंग, जहाँ पर आप कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, डिस्काउंट, टैक्सेस, यूनिट्स, एट्रीब्यूट्स, चार्जर्स एंड सेटिंग्स वगैरह आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर कैटेगरीज में आप यहाँ पर ऐड न्यू ऐड कैटेगरी कीजिए। यहाँ पर कैटेगरी, जैसे भी कैटेगरीज रहते हैं, जैसे कि नूडल्स, आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सबमिट कर दीजिए तो आपका कैटेगरी क्रिएशन हो गया। अगर कुछ सब कैटेगरीज भी ऐड करना, जैसे कि नॉन वेज वेज वगैरह, आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं बैक लेती हूँ। यहाँ पर आपको इम्पोर्ट का भी ऑप्शन है, जैसे कि एक्सेल शीट्स वगैरह भी दिया गया है, आप इसमें डाउनलोड करके डेस्कटॉप में रख सकते हो। इसमें आपका पूरा डाटा वगैरह मेंटेन करके एक ही बार आपका पूरा मेनू इम्पोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आता है एक्सपोर्ट का ऑप्शन। जितने भी आपका आइटम डाटा है आप एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड बारकोड प्रिंट, जितने भी आपके आइटम्स है उसको अगर बारकोड चाहिए तो बारकोड भी आप जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर मैनुअल क्रिएशन, जैसे कि ऐड आइटम कीजिए। एंड यहाँ पर फर्स्ट वन आता है बेसिक डिटेल्स, जहाँ पर आपको आइटम टाइप आता है, जैसे कि प्रिपेयर, इंग्रेडिएंट, नॉर्मल, लिकर, फोर टाइप्स रहता है। जो भी आप अपने रेस्टोरेंट में प्रिपेयर कर रहे हो वो प्रिपेयर आइटम्स में आता है। इंग्रेडिएंट मतलब आप जो भी परचेस करते हो प्रिपेयर करने के लिए, उससे सभी इंग्रेडिएंट कहते हैं। नॉर्मल आइटम्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नॉर्मल आइटम्स में आते हैं। एंड लिकर्स, फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ प्रिपेयर आइटम्स। एक आइटम नेम डाल दीजिए, चिकन नूडल्स। यहाँ पर कैटेगरी में क्रिएट सेलेक्ट कर सकती हूँ, जो भी आप क्रिएट करते हो आप यहीं से क्रिएट कर दीजिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पर सब कैटेगरी वगैरह भी आता है, अगर सब कैटेगरी चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या तो न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, सप्लायर वगैरह ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बारकोड, अगर कुछ बारकोड वगैरह है तो डाल सकते हैं, आइटम कोड भी रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग, प्राइसिंग में आप यूनिट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी चिकन नूडल्स है तो इसमें हाफ एंड फुल प्लेट आता है, तो यहाँ पर हैज एट्रीब्यूट्स कीजिए। यहाँ पर ऐड न्यू एट्रीब्यूट्स कीजिए। यहाँ पर एट्रीब्यूट नेम जैसे कि प्लेट, एंड यहाँ पर वेरिएंट नेम जैसे कि हाफ फुल आप क्रिएट कर सकते हैं। ऐड एंड सबमिट, तो आपका एट्रीब्यूट्स क्रिएट हो गया। अब बाद में यहाँ पर प्लेट्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेलेक्ट वैल्यू, जैसे कि हाफ क्वांटिटी चाहे तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप ल्यू डिस्ट्रीब्यूट सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर MRP, यहाँ पर सेव। नेक्स्ट आता है सेलेक्ट वैल्यू फुल, यहाँ पर क्वांटिटी चाहे तो आप रख सकते हो। सेलिंग प्राइस, तो आपका हाफ एंड फुल का आपने क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट हम जाएंगे टैक्सेस में, टैक्सेस में आपको कितना परसेंट लगता है आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर परचेस में नहीं है तो आप यहाँ पर निकाल भी सकते हैं, जस्ट सेलिंग में रखें। नेक्स्ट स्टॉक डिटेल्स में आपको री ऑर्डर लेवल भी देते हैं, जिसमें आपको नोटिफिकेशन आता है री ऑर्डर का, आप यहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट सबमिट, तो आपका ये आइटम क्रिएट हो गया। यहाँ पर आप शो आइटम कर सकते हैं, इसे व्यू भी कर सकते हैं। कुछ चेंजेस करना हो तो एडिट का भी ऑप्शन दिया गया है, डिलीट चाहिए तो डिलीट भी कर सकते हैं। यह हमारा प्रिपेयर आइटम क्रिएट हो गया। अभी हमें दिखाती हूँ आपको एक इंग्रेडिएंट आइटम कैसे ऐड करना है। यहाँ से ऐड आइटम कीजिए। यहाँ पर आपको आइटम टाइप इंग्रेडिएंट करके सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जैसे कि राइस, मैदा वगैरह डाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कैटेगरी एक न्यू क्रिएट कर लीजिए, जैसे कि रॉ मटेरियल। सबमिट, तो आपका कैटेगरी ऐड हो गया। अगर कुछ सब कैटेगरी रखना है तो रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्राइसिंग में, यहाँ पर आप कितना प्राइस लगता है आप यहाँ पर यूनिट वगैरह भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि केजी। यहाँ पर परचेस प्राइस 1 kg का एंड सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट आएंगे टैक्सेस, कितना परसेंट टैक्स लगता है रख दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर स्टॉक डिटेल्स आता है, यहाँ पर आप क्वांटिटी कितना आपके पास है, कितना केजी आप यहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सबमिट कर दीजिए, तो आपका इंग्रेडिएंट आइटम भी क्रिएट हो गया। रॉ मटेरियल्स, शो आइटम कीजिए, राइस, आप चाहो तो व्यू एडिट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन है कैटेगरी व्यू एंड आइटम व्यू,
अगर कैटेगरी व्यू करना है तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपको फुल कैटेगरीज आपको शो होंगे। अगर पूरा आइटम व्यू करना है तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपको जितने भी आइटम्स हैं यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर सर्च बाय ऑल का भी ऑप्शन है, जैसे कि सर्च ऑप्शन से जैसे कि नेम से भी सर्च कर सकते हैं, बारकोड वगैरह स्कैन करके भी सर्च कर सकते हैं, आइटम कोड रखते हो आप तो आइटम कोड से भी सर्च कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं। यह हमारा मेनू आइटम क्रिएट हो गया एंड ऐसे आप आइटम्स वगैरह डाटा वगैरह बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बैग, यह आपका मेनू आइटम हो गया। नेक्स्ट में आते हो रेस्टोरेंट मॉड्यूल में। नेक्स्ट हम जाएंगे रेस्टोरेंट मॉड्यूल में, यहाँ से आप ऐड टेबल्स वगैरह कर सकते हैं। आपके रेस्टोरेंट में जितने भी टेबल्स हैं आप यहाँ से ऐड करके रख लीजिए, जैसे कि ऐड टेबल, यहाँ पर टेबल नंबर डाल दीजिए एंड क्रिएट कर लीजिए, तो आपका ऐसे टेबल क्रिएट होता है ऐसे। नेक्स्ट इस टेबल में अगर आपको ऑर्डर वगैरह प्लेस करना हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आप आइटम वगैरह सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, जैसे कि नेम से भी कर सकते हैं, बारकोड से भी कर सकते हैं, आइटम कोड एंड कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सर्च बाय ऑल है, जैसे कि अभी मैं नूडल्स करके डाल देती हूँ, तो जितने भी नूडल्स का है आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक कीजिए। तो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था हाफ एंड फुल, तो अगर हाफ प्लेट का है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर क्वांटिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं, कितना क्वांटिटी है। यहाँ पर प्राइसिंग चाहे तो प्राइसिंग भी चेंज कर सकते हैं, अगर डिस्काउंट देना है आइटम के ऊपर तो आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर सेव कर दीजिए, तो आपका ऑर्डर प्लेस हो गया एंड यहाँ से आप कस्टमर का, किस कस्टमर का आप सेल करें, यहाँ पर आप कस्टमर नेम ऐड कर सकते हैं। अगर पहले से ही क्रिएटेड है तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेम एंड उनका फ़ोन नंबर भी आ गया एंड नंबर ऑफ गेस्ट, कितने गेस्ट हैं उस टेबल पर, तो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए एंड कौन सा एम्प्लॉय सेल करें आप डाल सकते हैं। अगर डिस्काउंट ऑन भी डिस्काउंट दे रहे तो डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आप क्लियर कार्ड का भी ऑप्शन है, अगर आपको क्लियर करना हो तो। नेक्स्ट यहाँ से सेंड टू किचन कीजिए, तो आप जो भी ऑर्डर वगैरह प्लेस किए हैं वो किचन को सेंड हो जाते हैं। यहाँ से ऑर्डर डिटेल्स वगैरह चेक करना हो तो ऑर्डर डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर डिटेल्स वगैरह शो होता है। एनी कस्टमर का अगर कुछ न्यू ऑर्डर वगैरह प्लेस होता है तो आप न्यू क्यूटी भी क्रिएट कर सकते हैं, या तो अगर इसी टेबल में अगर न्यू ऑर्डर प्लेस करना हो तो न्यू ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पर बैक लीजिए, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि ऑर्डर प्लेस हुआ है एंड टेबल का भी कलर चेंज हुआ है, रेड में कन्वर्ट हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऑप्शन है, जैसे कि टेक अवे का भी ऑप्शन है, होम डिलीवरी भी आप कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो, चेंज टेबल वगैरह कर सकते हो। कोई दो टेबल्स हैं ऑर्डर प्लेस हुआ है तो आप उसको मर्ज टेबल भी कर सकते हैं एंड आपको डेली वाइज का मीन्स आज के दिन का कितना आपको ऑर्डर वगैरह प्लेस हुआ है वो रिपोर्ट्स वगैरह भी शो होता है। नेक्स्ट में अभी टेबल नंबर वन पर ऑर्डर प्लेस हुआ है तो इसका मैं बिल बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पर सर्च टेबल है ना, यहाँ पर आप ऑर्डर टेबल नंबर डाल दीजिए वन, तो यहाँ पर आपको शो होता है ऑर्डर वन प्लेस हुआ है, कस्टमर का डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होता है। यहाँ पर है कि न्यू ऑर्डर, यहाँ से भी आप ऑर्डर वगैरह प्लेस कर सकते हैं। अगर न्यू क्यूओटी क्रिएट करना है तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डर डिटेल्स यहाँ से भी चेक कर सकते हैं एंड बिल बनने से पहले अगर आप प्रिंट बिल देना चाहते हो कस्टमर को तो यहाँ से प्रिंट बिल भी दे सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है स्पॉट डिस्काउंट, अगर आप पूरे बिल के ऊपर स्पॉट डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पर परसेंटेज वाइज भी दे सकते हैं या तो अमाउंट वाइज भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अमाउंट वाइज दे रही हूँ 5 एंड यहाँ पर अप्लाई स्पॉट डिस्काउंट। यहाँ पर चेकआउट का ऑप्शन है, चेकआउट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट पेमेंट मोड शो होता है, जैसे कि कैश, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अगर सेल ऑन क्रेडिट है तो आप उधारी पे भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं कैश के थ्रू करती हूँ पे एंड यहाँ से कुछ कमेंट वगैरह लिखना हो तो कमेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट देना है तो यहाँ पर टिक रख दीजिए, अगर प्रिंट नहीं चाहिए तो आप अनटिक रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चेकआउट, तो आपका ये बिल क्रिएट हो गया। ऐसे आप सभी यूज कर सकते हैं। ऑर्डर क्लियर होने के बाद टेबल का कलर भी ब्लू में क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स में आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर स्टार्ट डेट एंड एंड डेट है। यहाँ पर डेट डाल के गो कर दीजिए तो यहाँ पर कितना ऑर्डर वगैरह प्लेस हुआ है उसका सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होता है।
यहाँ पर टुडेज रिपोर्ट चाहिए तो टुडेज का भी रिपोर्ट देख सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल शीट में, तो सभी आपको ये डिटेल्स वगैरह एक्सेल शीट में आ जाएगा।